In this section, I will derive the formula that is used to draw the expected rate of return and risk trade off line, which is also known as the capital allocation line. So, the first thing we need to do is to relate the portfolio's expected return to the proportion that is invested in the risky asset. And that proportion is, we are assuming that that proportion will be given by W. So if we consider the entire investment as 1 w is the proportion of that entire investment so then the proportion which you have invested in the riskless asset will be given by 1 minus w. So firstly we need to find out the expected rate of return in this situation and we are assuming that the investor has a choice to invest in the risky asset and द रिस्क लेस एसेट दोनों में इन्वेस्ट करना है रिस्की में भी और रिस्क लेस में भी जैसे मैंने आपको दो तीन दफ़ा पहले भी बताया कि इन ऑर्डर टू बी सेफ इट इज़ ऑलवेज बेटर टू पुट योर मनी इन द रिस्की एज वेल एज द रिस्क लेस एसेट्स ताकि आपको कुछ रिजनेबल रिटर्न भी मिल जाए और बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े तो फिट ऑफ लाइन को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं उसके लिए व्हाट वी नीड टू नो इज़ सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका परपॉर्शन कितना टोटल इन्वेस्टमेंट का आप रिस्की एसेट में डालना चाहते हैं कितना आप रिस्क लेस एसेट में डालना चाहते हैं उनको हम W और वन माइनस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो इन दिस केस द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन बाय कैपिटल ई आर एंड दैट इज इक्वल टू द परपॉर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन द रिस्की एसेट और ये जो साथ में ई आर एस लिखा हुआ है दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न विच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द रिस्की एसेट तो रिस्की एसेट से जो आर एस मिल रहा है उसकी एवरेज को कैलकुलेट करके आपने उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दिया देन वी हैव गॉट वन माइनस डब्ल्यू इज द प्रोपोर्शन जो कि रिस्क फ्री एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का और उसके साथ हमने एवरेज नहीं ली आपको पता है वो तो फिक्स्ड है नॉन है प्रडिक्टेबल है गिवन है जो रिस्क फ्री एसेट के ऊपर रिटर्न मिलेगी उसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं है इसलिए हम उसकी मीन या एवरेज नहीं निकाल रहे उसकी वैल्यू हम जो गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है प्रिटिक्टबल नोन नोन वैल्यू है दैट इज आर एफ हम उसको ही ले रहे हैं और इस चूंकि नोन है इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रही इसलिए हम हमें पता है कि रिस्क फ्री एसेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है रिटर्न का वो ज़ीरो होता है तो इफ़ वी डेवलप दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड सॉल्व इट सिंप्लीफाईट ब्रादर तो हम क्या कर सकते हैं ये आर एफ को आपने मल्टीप्लाई किया वन के साथ आर एफ मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में भी और डब्ल्यू जो है वो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिस्की रिटर्न के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक आर एफ आपके पास आएगा जिसके साथ डब्ल्यू नहीं है दूसरे के साथ है तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो इट विल बी आर एफ प्लस डब्ल्यू आर एस राइट एक डब्ल्यू इसके साथ आ रहा है फिर आपके पास आ रहा है डब्ल्यू यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव का साइन है तो माइनस डब्ल्यू आएगा और फिर आर एफ आएगा सो so, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये डब्ल्यू को कॉमन निकाल के तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेड ऑफ लाइन जिसमें आपको यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन पता चल रही है दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज द स्लोप एंड दिस इज द इंटरसेप्ट आपने इक्वेशन ऑफ आ स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है हमेशा से हम लिखते हैं y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स तो y हमने लेना होता है वर्टिकल एक्सिस पे x एक्सिस का के ऊपर हमने x वेरिएबल ली जब हम मैथ्स में बेसिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं ये जो b होती है ये आपकी स्लोप होती है राइट राइज ओवर रन जिसको हम बोलते हैं या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x के तौर पे ठीक है और ये जो आपका ए है दिस इज द इंटरसेप्ट सो इंटरसेप्ट आपको बताता है कि आपकी जो लाइन है वो वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस के ऊपर किधर कट करेगी वाई एक्सिस को दैट इज द वाई इंटरसेप्ट सो वाई इंटरसेप्ट आपको ए की वैल्यू बता रही होती है और इसका जो स्लोप है इस लाइन का वो आपको बी की वैल्यू से पता चलता है सिमिलरली ये जो आपने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू आर एफ यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस डब्ल्यू द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन द रिस्की एसेट ब्रैकेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्राम द रिस्की एसेट माइनस आर एफ यानी कि रिस्क फ्री एसेट इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आर एफ इज द इंटरसेप्ट यानी कि ये ए की वैल्यू है और ई आर एस माइनस आर एफ जो है इसको हम कह रहे हैं ये रिस्क प्रीमियम है रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है कि मैं अपने पैसे रिस्की एसेट में डालूंगी तब जब मुझे कुछ खातिर ख्वाह रिस्क फ्री एसेट से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो तब मैं रिस्क लेना बियर करी हूँ और उस पर्टिकुलर एडिशनल रिटर्न की वैल्यू को हम रिस्क प्रीमियम बोल रहे हैं कि मैं रिस्क ले रही हूँ उसको कंपनसेट करने के लिए क्या इजाफ़ी रिटर्न मुझे मिलेगी और उस रिस्क प्रीमियम को हम ई माइनस आर से रिप्रजेंट करते हैं सो so, आपने देखा कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द स्लोप कि आपकी जो लाइन है वो स्टीप होगी फ्लैट होगी उसकी स्लोप कैसी होगी इसी चीज़ को देखने के लिए आई एम गोइंग टू शो यू द ग्राफ विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर सो राइट ओवर हेयर अगैन मैंने यहाँ आपको बताया कि ये जो आपका पॉइंट है एफ जो पोर्टफोलियो हमने डिस्कस किया था पहले इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगेन द रिस्क रिवॉर्ड रेट ऑफ लाइन या कैपिटल एलोकेशन लाइन के ऊपर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेते हैं वर्टिकल एक्सेस के ऊपर यानी कि ई e आर है ये ठीक है और स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने लिया है हॉरिजॉन्टल या वाई एक्स एक्सएक्सेस के ऊपर और ये जो आपने लाइन बनाई है इस लाइन की फॉर्मूला को भी हमने डिराइव किया था और वो फॉर्मूला कह रही थी कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ इक्वल टू आर एफ विच इज़ द इंटरसेप्ट तो आप देख सकते हैं कि हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा रिस्क फ्री एसेट के ऊपर आपको छः फीसद इंटरेस्ट मिल रहा है और उसमें रिस्क नहीं है रिस्क जीरो। तो हमने कहा रिस्क जीरो एंड रिटर्न वुड बी सिक्स परसेंट वी केम अप विद दिस एफ पोर्टफोलियो जिसमें आपने हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री एसेट के अंदर इन्वेस्ट की थी और आपके पास ये पॉइंट मिला ये आपका इंटरसेप्ट है जो कि आर एफ से रिप्रेजेंट हो रहा है उसके साथ में हमने बोला कि अभी इस लाइन की फिर स्लोप की वैल्यू आएगी जैसे अभी मैंने आपको बताया वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होता है तो ये आपका वाई है इसमें और ये आपका ए है आप बी की वैल्यू मैं आपके लिए लिख के देने वाली हूँ ठीक है और फिर एक्स की वैल्यू लिखूंगी तो बी की वैल्यू यहाँ क्या है रिस्क प्रीमियम और वो हमने अभी निकाला था क्या था दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द रिस्की एसेट माइनस रिटर्न फ्रॉम द रिस्क फ्री एसेट ये आपकी स्लोप है यानी कि बी की वैल्यू है और उसके साथ आपने लिखा कितना पर पॉर्सन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट आप रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपने डब्ल्यू लिखा हुआ राइट तो ये आपका एक क्वेश्चन है इस स्ट्रेट लाइन का जो कि आपने ऑबेन की है इसमें ये जो स्लोप है विच इज डेल्टा वाई डेल्टा वाई इज अ वर्टिकल डिस्टेंस ओवर द हॉरिजोंटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आपकी निकल के आई है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द रिस्क एसेट माइनस द रिस्क फ्री एसेड या इसको हम बोलेंगे द स्लोप इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ रिस्क प्रीमियम तो ये आपका रिस्क प्रीमियम या ये पर्टिकुलर फॉर्मूला से आपको इस लाइन का स्लोप मिलेगा जितना ज़्यादा फर्क रिस्की एसेट की एक्सपेक्टेड वैल्यू का रिस्क फ्री एसेट से होगा उतना ज़्यादा इस लाइन की स्लोप ज़्यादा होगी ज्यादा स्लोप का मतलब होता है उतना यह स्टीप होगा और जितना ये फर्क कम होगा उतना ये फ्लैट होगी लाइन राइट right? मगर इधर वर्टिकल एक्सिस पे किधर कटकारी होगी वो वैल्यू आपको इससे पता चलेगी तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज इन ऑर्डर टू ड्रॉ द रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ लाइन नाउ आई एम गो टू गिव यू एन एग्जाम्पल डिस्कस एन एग्जाम्पल विद यू सो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी फर्दर एक्सप्लेन सो so, एग्ज़ाम्पल में हम एज्यूम कर रहे हैं अगैन कि हमारे पास एक लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें से हमने कुछ पैसे रिस्की एसेट पे इन्वेस्ट करने हैं कुछ पैसे रिस्क फ्री एसेट पे इन्वेस्ट करने हैं हम ऐसा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं जिसमें हम पूरा एक लाख रिस्क फ्री में डालें या रिस्क रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर लें राइट सो दैट उस तरह की भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं हम लेकिन इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने पैसों को बांटें रिस्क फ्री और रिस्की एसेट्स के दरमियान में तो तब आप ज़्यादा बेहतर पोजिशन में होते हैं ज़्यादा एफिशेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर जा सकते हैं तो अगर आपको रिस्क फ्री के ऊपर छः परसेंट इंटरेस्ट मिल रही है और आपको रिस्की एसेट के ऊपर चौदह परसेंट रिटर्न मिल रहा है तो द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर आपने ये सारे वैल्यूज़ प्लग किए अभी जो इक्वेशन हमने बनाई थी वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में तो दैट कैन बी स्टेटेड एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये आपका वाई है ठीक है वर्टिकल एक्सेस के ऊपर वैल्यू आएगी कट पॉइंट की 0.06 जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी ये आपका इंटरसेप्ट है और फिर 0.14 पॉइंट माइनस जीरो जो कि बनती है 0.08 ये आपका रिस्क प्रीमियम है और ये आपकी स्लोप की वैल्यू भी है राइट सो दिस इज द स्लोप दिस इज द इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट और स्लोप की मदद से आप लाइन को आसानी के साथ में प्लॉट कर सकते हैं सो so, uh, जो रिस्क प्रीमियम है आपका दैट इज़ मैंने भी आपको बताया जीरो पॉइंट जीरो एट की वैल्यू है इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द रिस्की एसेट माइनस द रिटर्न विच यू आर गो टू गेट फ्रॉम द रिस्क फ्री एसेट और बेसिकली uh, जो हम बात कर रहे हैं रिस्क प्रीमियम की तो वो एक तो इस पर्टिकुलर फर्क के ऊपर डिपेंड करती है दूसरा पोर्टफोलियो कितना पैसा आपको कमा के देगा ये एक तो रिस्क प्रीमियम पे डिफाइन डिपेंड करता है दूसरा एक और अहम जो चीज़ आपने मद्देनज़र नज़र रखनी है दैट इज़ कि आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना प्रपोर्शन रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप रिस्की एसेट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे या बहुत कम प्रपोर्शन इन्वेस्ट करते हैं या डब्ल्यू की वैल्यू बहुत छोटी है ऑब्वियसली आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो थोड़ा होगा लेकिन अगर आपने रिस्क की एसेट में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा परपोर्शन डाला है तो भी तो देर आर चांसेस कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रेट रिटर्न है वो उसकी वैल्यू काफ़ी हायर होगी एज कम्पेयर टू तो इफ़ यू आर इफ यू इन्वेस्ट योर एंटायर मनी इन आ रिस्क फ्री एसेट सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू कंसिडर वेन वी आर प्लानिंग टू एलोकेट फंड्स अमंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज